मन जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के साक्ष घुटने नाते के हिंद वाली पेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली पेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त ला पड़े तो बैलियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जो लड़की रील नहीं बनाती है वो क्या कह सकती है? बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द है उनके लिए जो देश द्रोही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती है। क्यों कह रही हूँ कि आपको वतन से प्यार है, और बहुत हम सब कवियों को कितना अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अग्रिम पंक्ति में बहुत खिलखिलाते चेहरे बैठे हैं, ऐसा कम होता है। और आदरणीय माँ तेलुगु के आंचल से निकलकर माँ हिंदी के विस्तृत आंचल में यहाँ पर हैं, वो हमको इतने समीप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि रंगनाथ रामायण हमारे वाल्मीकि रामायण का एक तरह से अनुवाद है, तो वो संस्कार और सनातनी परंपरा लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, तभी इस प्रकार के कवि सम्मेलन हो सकते हैं। मैं उनकी उपस्थिति को बहुत प्रणाम कर रही हूँ और हिंदी की तरफ से आपकी मातृभाषा को भी प्रणाम कर रही हूँ। पंक्तियां समर्पित इसलिए कर रही हूँ कि आज कोई राजनीति का व्यक्ति नहीं है, तो हम पर किसी प्रकार का कोई भी परतंत्रता नहीं है, तब चार पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, मैं क्या सोचती हूँ यदि आप भी सोचते हो तो बस अब जो सहमत हो बस उनकी तालियां चाहती हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान। और ये क्यों कह सकती हूँ आदरणीय, क्योंकि ये मंच मुझे सिखलाता है, मैं कभी भी किसी पार्टी की प्रवक्ता होकर काव्य पाठ नहीं कर पाती हूँ। क्यों? मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में करो। बहुत आभार, और इसलिए भी नमन नहीं कर सकती क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो मूल आत्मा है वो राजनीति के लोग कहीं ना कहीं उस आत्मा को तोड़ देते हैं। मैं क्या बताना चाहती हूँ कि इस देश की आत्मा क्या है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। जब चुनाव आए और लोग आप तक ये कहें कि ये देश इसका है और इसे छोड़ देना चाहिए, इसका है इसे छोड़ देना चाहिए, तो ये कविता तिवारी बताने का प्रयास कर रही है कि ये देश किसका है। यदि आपका समर्थन मिले तो मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के यह संदेश होता है। जहां रहते हो हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश।
आदेश होता है। और तब कह रही हूं, कोई जरा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, कोई जरा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवान की वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। और हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने वास्तव में अपने मजहब से बड़ा वतन को रखा है। यदि मैं वो चार पंक्तियां उनको प्रणाम करते हुए पहुंचा दूं तो मेरे आदरणीय चाचा का भी आशीर्वाद मिले और आप संकेत मेरी पंक्तियों से समझ जाएं तो उनके यहाँ पर बैठे होने का एहसास आप उनको कराएं। सम्मान देकर सुनेगा, पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। धरती को धड़कन देकर खुद का अंतिम उच्छ्वास लिखा। मैं धरती को धड़कन देकर खुद का अंतिम उच्छ्वास लिखा, कुटिल कुचाली क्रूर पृष्ठ पर बलिदानी उल्लास लिखा। जिनको हमने सिर्फ चुटकुलों का ही विषय बना डाला, सर दे करके उस पगड़ी ने भारत का इतिहास। दोनों हाथ आकाश में खड़े कीजिए और बलिदानों की बड़ी परंपरा को प्रणाम कर लीजिए। सनातन परंपरा हमारे घर है। जितने भी यहाँ सनातनी बैठे हो तो आप एक बार मेरे कहने से इस सनातन का अस्तित्व यदि इस देश में अभी भी जिंदा है तो इस पगड़ी के कारण है। यदि आप सहमत हो तो एक बार पुनः उनका दिन काफी बढ़िया चाहते हैं। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ और मेरे आदरणीय चाचा यहाँ पर उपस्थित हैं जो इतिहास को आधार बनाकर अपनी कविताएं, बहुत श्रेष्ठ कविताएं, मैं उनसे निवेदन भी करूंगी कि यदि उन्हें अच्छा लगेगा तो वो कुछ पंक्तियां वो जरूर सुनाएंगे। मैं एक छंद आपको इसलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई ने एक ऐसी लड़की का उल्लेख किया, एक ऐसी बेटी का उल्लेख किया जो सही बात में हमारे समाज में कोड़ की तरह होता जा रहा है। हमको पता है कि ये इंस्टाग्राम फेसबुक आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन प्रभावित करने के चक्कर में आप प्रवाहित हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। मैं एक छंद आप तक पहुंचा रही हूं, मैं उनका दर्द समझती हूं, लेकिन एक बहन होने के नाते आपके डर को कहीं समाप्त कर दूं तो आपकी आश्वासन की तालियां मेरे भाई तक पहुंचनी चाहिए। मैं बस ये कहना चाहती हूं कि बेटियों को होना कैसा चाहिए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु यदि ये रोल मॉडल अपना लेंगी बेटियां और मेरी बहनें तो 35 टुकड़ों में कोई काट नहीं पाएगा आपको। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त ला पड़े तो बैलियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए।